हेलो फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है हर एक एमई स्टूडेंट के लिए और जो भी एमई है फील्ड में उनके भी लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वैसे जो फील्ड में होंगे उनको तो पता होगा लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को नहीं पता रहती है बात कि क्या एक एमई जो होता है एक एमई स्टूडेंट जैसे कि स्टूडेंट एमबीए कभी ना कभी एमई जब बनेंगे तो क्या हम डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। जब भी मेरा पिछला एक वीडियो आया था तो उसमें क्या था कि एयरफोर्स के बारे में था और उसमें मैंने साफ बताया था कि आप एयरफोर्स में एक एमई नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगर एयरफोर्स में नहीं सकते तो और कुछ है ही नहीं। आप जो है एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप जा सकते हो डिफेंस में और तो सबसे बड़ी बात वहां पर आपको ग्रुप ए के ऑफिसर में रखा जाता है एक एमई को, एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को वहां पर ग्रुप ए के ऑफिसर के बराबर जो दर्जा दिया जाता है डिफेंस में। तो कौन सी चीज़ है जैसे डिफेंस में होता है वो है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है उनके जो चॉपर्स होते हैं उनमें एक एमी जो है जा सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि क्या जनरली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमी या टेक्नीशियन की, क्या क्वालिफिकेशन वहाँ पर मांगते हैं, कितना एक्सपीरियंस मांगते हैं और आखिर कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप अपडेट रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगी। अब बेसिकली उनकी एज लिमिट क्या होती है, कितनी उनकी सैलरीज होती है तो क्या, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उनको ग्रुप ए ऑफिसर में रखा जाता है जो यहाँ के एमई या फिर टेक्नीशियन जाते हैं। तो इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। हाँ ये तो है कि आप एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन इतना है कि आप जो है अगर एक टेक्नीशियन या फिर एमई हो तो आप BSF को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी वैकेंसी लगभग हर साल नहीं तो हर दूसरे साल तो निकलती रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में भी देख सकते हैं कि 18 में निकली थी, अभी 20 में भी निकली थी और मे बी 21 में भी निकल जाए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और एविएशन जगत का सपोर्ट करो क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने का मेरा बहुत प्रयास रहता है आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन जो है BSF में जा सकता है और किस पोस्ट पर जा सकता है। जो पोस्ट होती है वो पोस्ट होती है डिप्टी कमांडेंट की पोस्ट और ग्रुप ए में आपको रखा जाता है। आप समझ सकते हैं ग्रुप ए जो सबसे बड़े इंडियन में ऑफिसर होते हैं सारे ग्रुप ए में ही रखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ग्रुप ए में रखा जाएगा, मतलब कि आपको जो है जितने बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं आप उनके लेवल में रहेंगे अगर आप वहाँ पर जाएंगे जब भी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या होती हैं। इसमें आपके पास एमई का लाइसेंस होना चाहिए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस या फिर BAMEC होना चाहिए, बेसिक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर सर्टिफिकेट। BAMEC क्या होता है, BAMEC होता है कि जब कोई इंसान अपने सारे लाइसेंस एग्जाम क्लियर कर लेता है, मान लीजिए वो B1.1 का स्टूडेंट हो तो अपने सारे 11 मॉड्यूल एग्जाम्स जो होते हैं उसको क्लियर कर लेता है प्लस जो उसकी ट्रेनिंग वगैरह होती है फील्ड में उस सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया रहता है। जैसे कि बोइंग पर हो या एयरबस पर हो जितना भी उसका साल कर रहता है, 2 ईयर कॉलेज में कंप्लीट किया फिर उसके बाद जो है 147 जो है 2 ईयर कॉलेज में कंप्लीट किया, 145 सीरीजी पार्ट 8 वाले 3 ईयर कॉलेज में कंप्लीट किया, उसके बाद जो 3-4 साल की जो फील्ड में एक्सपीरियंस लिए इन सभी चीज़ों के बाद जो है उन्हें जो है इन सब चीज़ों के साथ साथ भी जब वो मॉड्यूल सारे क्लियर करते हैं तो उनको BAMEC इशू हो जाता है। उस टाइम BAMEC जो है जनरली लाइसेंस मिलने के पहले इशू हो जाता है। तो आप एक अपने आप को उस टाइम कॉमर्शियल फील्ड में जूनियर एमई जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बोल सकते हैं फिर सीनियर जो है टेक्नीशियन आप भी बोल सकते हैं उस टाइम इशू होने के बाद। तो बेसिकली आप समझ लेंगे BAMEC का मतलब क्या है यहाँ पर। तो एक BAMEC होल्डर हो गया या फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस होल्डर जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो हाँ आपके पास सारे मॉड्यूल एग्जाम जरूर होने चाहिए, एक नॉर्मल टेक्नीशियन नहीं अप्लाई कर सकता। आप खुद से सोचिए कि आपको वहां पर ग्रुप ए का ऑफिसर बनाया जाएगा तो एक नॉर्मल सा मतलब कि बिना मॉड्यूल एग्जाम एग्जाम क्लियर करके कैसे जा सकते हो। तो इतनी बातें तो समझ में आ गए होंगे कि क्या वहाँ पर चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सपीरियंस कितना हो चाहिए। वहाँ थे 10 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस, मतलब कि 10 ईयर एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस में आप काम किए हो, ऐसा नहीं बोला गया कि बोइंग पर काम किए हो फिर एयरबस में काम किए हो या फिर किसी और ATR एयरक्राफ्ट में किसी पर भी काम किए हो। तो आपको 10 साल जो है फील्ड में आप एज ए मेंटेनेंस या टेक्नीशियन आप वहाँ पर वर्क किए हो और उसमें जो है टोटल अगर बात करें तो 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें में से आप एज ए एमई भी कम से कम 5 ईयर वर्क किए रहो, एज ए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर या कम से कम 5 साल फील्ड में रहो तो टोटल हम बात कर लें तो 15 ईयर का एक्सपीरियंस हो। तो इनकी एज लिमिट क्या हो जाती है, जनरली 35 से 40 ईयर तक की इनकी एज लिमिट होती है और जो इनके पे स्केल्स होते हैं नियरली 40,000 के आसपास से स्टार्टिंग पे स्केल्स होते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनको जो है क्या कोई टाइम पड़ने पर क्या जैसे कि मान लो कि कहीं से हो गया वार वगैरह
वगैरह हो गया, तो क्या इन एमी का फिर उस टाइम, जैसे कि वहां पर तो एक इंजीनियर भी होता है वो भी एक सोल्जर की तरह होता है, क्या ये जो एमी लोग गए रहते हैं तो ये इस तरीके से वर्क करेंगे? नहीं, तो इनका इसमें वार वगैरह में किसी भी प्रकार से काम नहीं, बस इनका काम ही रहेगा प्लेन को ठीक करना और उसको सर्टिफाई करना प्लेन को उड़ने के लिए, बस इनका इतना सा काम रहेगा। और बिल्कुल भी डिप्टी कमांडेंट रहेंगे, पोस्ट उनके डिप्टी कमांडेंट की होगी, लेकिन इनको वॉर वगैरह में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता जो यहाँ से एमी हायर किए गए रहते हैं। और जनरली इनको किस टाइप के एयरक्राफ्ट मिलते हैं? इनको रोटरी विंग वाले एयरक्राफ्ट वहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिक्स विंग एयरक्राफ्ट जो है बेसर वगैरह में काफ़ी कम होते हैं, तो मैक्सिमम बता रहा हूँ फिक्स विंग भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है रोटरी एयरक्राफ्ट पर ही वर्क करना होता है इन सारे जितने भी एक्सम वाले होते हैं। और आप देख सकते हैं कि आप www.examu.com करके एक वेबसाइट होती है, उस पर अपडेटेड रहिए, तो BSF से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर तो जनरली मिल जाती है, या फिर आप डायरेक्टली जब क्रोम पर सर्च करेंगे तब भी आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि एमी किस प्रकार से एक BSF को ज्वाइन कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर आपको सैलरी की कंपैरिजन करना हो कि BSF में सैलरी क्या है और यहाँ पर सैलरी कॉमर्स, तो अगर आपको यहाँ पर 15 ईयर का एक्सपीरियंस है और अगर आप 10 साल से यहाँ पर एमी हो, तो यहाँ पर आपकी सैलरी वहाँ से BSF में जिस टाइम ज्वाइन करेंगे उसे लगभग 2 times ज़्यादा होती है सैलरी कॉमर्शियल में, कमर्शियल फील्ड में। अगर आप 10 साल तक एमी हो तो आप कम से कम 2 times नहीं 3 times ज़्यादा होती है BSF की कंपैरिजन में जो यहाँ की एमी सैलरी होती है। लेकिन वहाँ पर आप जो जाता है तो उसकी जैसे कि एक जॉब सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट हो गया तो जॉब सिक्योरिटी होती है, सारी चीज़ें होती है। ये जो बात थी कि क्या कोई एमी है या फिर कोई बायमेक लिया हुआ टेक्नीशियन है तो वो डिफेंस ज्वाइन कर सकता है नहीं, फिर फील्ड को इधर इस फील्ड में जा सकता है कि नहीं, तो जा सकता है, BSF को ज्वाइन कर सकता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज को, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया आपको। तो वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव हो तो चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, क्योंकि मैं हर एक एविएशन फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।